नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान कोरोना की विकराल स्थिति और वैक्सीनेशन पर चर्चा हुई। मीटिंग के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना के मामले दोबारा बढ़ रहे हैं, ऐसे में तत्काल उपाय आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि देश में 9 करोड़ से अधिक का टीकाकरण हो चुका है। 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का टीकाकरण शीघ्र पूर्ण रूप से किया जाएगा। वहीं पीएम आपको बता दें कि कहा पीएम ने कि अभी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने कोरोना के बचाव के लिए भी सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है, कुछ राज्यों में चुनौती बढ़ रही है और हमें गवर्नेंस पर बल देना होगा। देश फर्स्ट वेव की पिक क्रॉस कर चुका है और इस बार का संक्रमण जो है वो पहले से ज्यादा है और ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। इस बार लोग पहले की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा कैजुअल हो गए हैं, जिससे कि हमें फिर से युद्ध स्तर पर काम करना होगा। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन को बढ़ावा देते हुए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया और कहा कि 45 साल से ऊपर के लोगों का शत प्रतिशत वैक्सीनेशन कराने का प्रयास करें, क्योंकि कोरोना एक ऐसी चीज है जब तक आप उसे लेकर नहीं आएंगे या नहीं आएगा। हमें टेस्टिंग और ट्रैकिंग को बढ़ाना होगा और कैसे भी करके पॉजिटिविटी रेट को 5% से नीचे लेकर आना है। और इस बैठक में बता दें कि जो मुख्यमंत्री थे सब ने अपनी बात रखी और जहाँ जहाँ पे स्थिति गंभीर है वहाँ वहाँ पे लॉकडाउन की स्थिति है, कहीं नाइट कर्फ्यू की स्थिति है। लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, आंकड़े जो आ रहे हैं सामने, वो कहीं ना कहीं डराने वाले हैं। बीते वर्ष की बात करें तो बीते वर्ष से ज़्यादा मामले इस बार सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मामले डराने वाले हैं। और जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, एक चिंता का विषय है। सरकार चिंतित है, केंद्र सरकार चिंतित है, जिला प्रशासन जो है सभी चिंतित हैं इस सब पूरे मामले को लेके, क्योंकि कोरोना की रफ्तार जिस तरीके से बढ़ रही है, लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं गंभीर समस्या बनी हुई है। साफ तौर पर आपको ये बता दें कि पीएम मोदी ने कहा है कि टेस्टिंग जरूरी है, सबसे पहले जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं उनकी टेस्टिंग किया जाए, इस पूरे मामले में बढ़ोतरी किया जाए। और दूसरी चीज, जो 45 साल के ऊपर के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन होना जरूरी है। तो इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ राहुल जी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आरएन न्यूज पे आपका। नमस्कार, प्लीज बताइए। जी सर, जिस तरीके से लगातार कोरोना एक बार फिर से दस्तक दिया है तो इससे काफी लोग डरे सहमे हैं। आंकड़े जो हैं बीते वर्ष से ज्यादा इस बार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। देखिए, बात बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से 1,36,000 कल आंकड़े आए, वो पिछली वेव में भी नहीं आए थे। ये बात हमको समझना आवश्यक है कि अगर ये आंकड़े इसी तरह से बढ़ते रहते हैं तो पॉपुलेशन इतनी है जिसमें मृत्यु दर भी बढ़ने की आशंका रहती है। अगर हम देखें, हेल्थ केयर वर्कर में सिर्फ 56% लोगों को ही वैक्सीन लग पाई थी। इसी प्रकार से जो लोग 45 साल से ऊपर है और 65 साल से ऊपर है, उनमें भी वैक्सीनेशन टीकाकरण 50 से 60% ही है। तो इसका मतलब यह है वो बाकी लोग भी संक्रामक होने के साथ मृत्यु की दर में इजाफा कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो यंग लोग हैं, जो कैरियर हैं और जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, वो इन लोगों तक कोरोना को बढ़ा सकते हैं। तो अगर ये वेव बढ़ती है तो आगे चल के आने वाला समय हमारे लिए कठिनाईपूर्ण हो सकता है। तो सर, जिस तरीके से लगातार ये प्रकोप बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लोग जो डरे सहमे हैं तो उन वो क्या उपाय करें जो जिससे कि बचा जा सके। बिल्कुल जी, सबसे ज्यादा जरूरत है डर की जगह नॉलेज के साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने की। जरूरत इस समय डर की नहीं है, इस समय संयम से सूझबूझ से काम लेने की है। जिसका मतलब है कि अगर हम मास्क पहन के चलते हैं और भीड़ भाड़ वाली एरिया में भी हैं और मास्क पहनते हैं, तब भी हमारा 70-80% सुरक्षा और बचाव होता है। तो ये लोगों को डर नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए,
बट समझदारी से और सूझबूझ से नॉलेज के साथ मास्क का सही रूप से किस तरह से पहनना है और उसका पालन करना आवश्यक है। अब देखिए कल गंगाराम में 32 लोग, फिर केजीएमसी में 30 लोग, एम्स में 4 डॉक्टर कोविड से वापस से ग्रसित हो गए। तो इसका मतलब यह है कि वैक्सीनेशन के बाद भी आप ग्रसित हो सकते हो, भले ही बीमारी बहुत तीव्रता से ना आए, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि मास्क और 2 गज की दूरी सबसे ज्यादा आवश्यक है। जी डॉक्टर साहब, दोबारा आपके पास आएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एके मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। एके मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आरएन न्यूज पे आपका। जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी जी। जिस तरीके से सर लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, पीएम मोदी ने बैठक की है और इस पर चिंता जताया है जी, तो इस पर मैं सुन पाया हूँ जी। जिस तरीके से एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, लगातार आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, पीएम मोदी ने बैठक बुलाई थी, बैठक में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो वैक्सीनेशन पर है वो जोर दिया जाए, जो 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हैं उन पर वैक्सीनेशन पर जोर दिया जाए, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कोरोना की लहर दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, इस बात की जानकारी WHO भी दे चुका है और हमारे दुनिया के जो वैज्ञानिक है वो बता चुके हैं पहले भी कि ये एक लहर नहीं, कम से कम 3 लहर आएगी। तो ऐसा नहीं कि सरकार को इस बात का ज्ञान नहीं था, जानकारी नहीं थी, उनके पास जानकारी थी, उसकी तैयारी भी कर रखी थी जी। दुखद स्थिति क्या है कि बहुत सारे राज्यों में जो नियम तोड़ने पर जो केस किए गए थे, फाइन किए गए थे, वो सारे मुकदमे यूपी सरकार से लेकर दिल्ली सरकार, बहुत सारे राज्यों में वो वापस ले लिए गए। तो लोगों में मास्क पहनने का भय खत्म हो गया जी। सड़कों पर भीड़ उमड़ रही है, बाजार में भीड़ उमड़ रही है और आप देख रहे हैं कि दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में 2 दर्जन से अधिक डॉक्टर भर्ती हो चुके हैं, जिनमें से 5 की हालत बहुत खराब है जी। ये देश के बहुत सारे अस्पतालों में, बहुत सारी जगहों पर ये हालत है जी। तो सरकार एक तरह से लाचार दिख रही है। सरकार चाहती है कि लोग कोरोना से किसी तरह बचें, नहीं मास्क पहने, हाथ धोने का काम करें, दूरियां बना के खड़े रहें, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। अब पुलिस व्यवस्था भी थोड़ी कमजोर दिख रही है, पुलिसिंग पहले बहुत टाइट हुआ करती थी जी। अभी खतरा इस बात का है कि 1 लाख तक आंकड़ा प्रतिदिन का आएगा, वो 1,35,000 क्रॉस कर गया जी। अब ये रोजाना यदि फिगर 2 लाख या 3 लाख क्रॉस कर जाएगा तो भारत के लिए बहुत चिंता का विषय होगा जी। इसका मतलब है 3 लाख का पर डे का टारगेट, माने रोगियों का आंकड़ा आने का मतलब होगा कि 1 करोड़ की संख्या हम 1 महीने में ट्रेस आउट करेंगे जी। तो आप इमेजिन कीजिए कि भारत जैसे मुल्क में इतना बेड नहीं है, इतना वेंटिलेटर नहीं है कि हम इंतजाम कर पाएंगे। कई शहरों से रिपोर्ट आ रही है कि कब्रिस्तान में जगह नहीं है, शमशान घाट पे लोगों को दफनाने की व्यवस्था नहीं है, वैन नहीं मिल रहे हैं। तो भारत सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय है। और मैं प्रधानमंत्री क्यों कहूँ, मैं तो देख रहा हूँ हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन भी लगातार चिंतित हैं और राज्य सरकारों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन नतीजा बहुत नहीं आ रहा है। विपुल पांडे जी, दोबारा आपके पास आएंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ये मामला बढ़ रहा है, चिंता का विषय है, तो दूसरी तरफ जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं उनमें भी ये कोरोना का जो एक बार फिर से प्रकोप देखा जा रहा है, उन्हें भी कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है और लोग डरे सहमे हैं। बिल्कुल, ये बात तो पहले से तय थी, वैक्सीन के बाद भी कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं हो सकता जी। आज भी हमारे को लोगों को, आपके जितने भी चैनल के श्रोता हैं, उनको ये समझना आवश्यक है कि वैक्सीन लगाने के बाद ही मास्क नहीं त्याग सकते। मास्क को आपको अपने साथ रखना है, मास्क को पहनना है और सही तरीके से पहनना है, क्योंकि वैक्सीन की एफिकेसी सिर्फ 60-70% है, 100% नहीं है। और 60-70% का भी मतलब ये है कि वो ये नहीं बोलती कि कोविड नहीं होगा, वो ये बोलती है कि कोविड होगा भी तो बहुत सीवियर प्रकार का नहीं होगा और मृत्यु दर नहीं बढ़ेगी, पर कहीं वो ये नहीं बोलती कि दोबारा कोविड नहीं हो सकता। अमेरिका में एक शोध हुआ सैन डियागो में, जहां पे 1.69% लोगों को और 0.69% लोगों को दोनों स्टेट्स में कोविड इन्फेक्शन वैक्सीन के बाद री इन्फेक्शन हुआ,
वो शायद दर हमारे देश में ज्यादा हो, क्योंकि हमारे पास कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है वो एट बेस्ट 60-70% ही सक्सेसफुल है। तो लोगों को ये समझना आवश्यक है कि एक तो हमने पूरी जनता को पॉपुलेट को पॉपुलेशन को नहीं कर रहे, और दूसरा सबसे बात है कि वैक्सीन की एफिकेसी कम है जी। नहीं, लोगों में अंदर, लोगों के अंदर जो डर है कि वो अगर वैक्सीन भी लगवाते हैं तो भी वो उन्हें कोरोना हो सकता है, ये लोगों के मन में डर है, इसलिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। डॉक्टर साहब बिल्कुल, ये डर की बात ही नहीं है। देखिए, वैक्सीन तो सबको लगवानी है जी। हम किसी भी कीमत में ये नहीं चाहते कि हमारे अस्पताल के बेड कोरोना से भर जाए और या आईसीयू सारे कोरोना से भर के हमारे लोगों की मृत्यु बढ़ जाए। तो किसी भी स्टेज पे लोगों को यह कहा है कि वैक्सीन से हम सीवियरिटी को कम करते हैं और मृत्यु दर को कम करने में कामयाब होते हैं। तो वैक्सीन से जुड़ी जितनी भी भ्रांतियां हैं उनको दूर हटाते हुए वैक्सीन सबको लगाना मैंडेटरी होना चाहिए, अगर वो 45 साल से ऊपर है तो। देखिए, सबसे ज्यादा बड़ी चीज जो आपको बचाएगी वो वैक्सीन बचाएगी जी। डॉक्टर साहब दोबारा आपके पास आएंगे। ए के मिश्रा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। ए के मिश्रा जी, जो स्थिति है बढ़ रही है और कुछ लोग ये हैं कि वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, उनका कहना कि जिस तरीके से उनका कहना है कि साफ तौर पर ये माहौल जो है कहीं ना कहीं गंभीर है। तपन जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, मैं सुन रहा हूँ बिल्कुल जी। जी, जिस तरीके से ये डर का माहौल है, लोग डरे सहमे हुए हैं और वैक्सीन भी नहीं लगवा रहे हैं सर। देखिए जी, भारत में लिटरेसी 100% नहीं है, तो लिटरेसी की कमी के कारण मेडिकल क्षेत्र को बहुत परेशानियां होती है। लोग जो पढ़े लिखे हैं वो समझ रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से समझा रहे थे। डॉक्टर साहब का पूरा नाम बताइएगा बुलेटिन में। वो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है कि आपको वैक्सीन लेना ही होगा, लेना चाहिए। वैक्सीन लगाने से कोरोना यदि आता है तो आपका बॉडी उसका मुकाबला कर लेगा, रेसिस्ट कर लेगा, फाइट कर लेगा। हमारे अंदर में जो इम्यूनिटी पावर जो पहले से कमजोर है उसको मजबूत करेगा। ये शोध से भी आया है, WHO भी कह रहा है, तमाम वैज्ञानिक भी कह रहे हैं, डॉक्टर भी कह रहे हैं जी। तो हमें इस बात पर ध्यान देना होगा, इस पर टेलीविजन को, रेडियो, अखबार, न्यूज वेबसाइट, इन तमाम जगहों पर अभियान चलाना होगा, लोगों को समझाना होगा, दहशत की खबरों को दबाना होगा, जो पॉजिटिव चीजें वो बताना पड़ेगा जी। मेरे पास लखनऊ के डॉक्टरों के बीमार होने की खबर आई जी, वहाँ मेडिकल कॉलेज में है, बहुत सारे डॉक्टर वहाँ बीमार पड़े। पता चलो कि किसी भी डॉक्टर की गंभीर हालत नहीं है जिन्होंने 2 डोज ले लिया था जी। तो ये पॉजिटिव खबर है, इसे हाईलाइट करने की जरूरत है। कहीं कहीं टेलीविजन जो है वो भय की स्थिति पैदा कर रहा है जी। कुछ चैनल बहुत गलतियां कर रहे हैं, हमें डराना नहीं है, हमें समझाने की जरूरत है जी। चलिए, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, बचाव के सिर्फ यही उपाय हैं कि मास्क और सैनिटाइजर हमेशा आपके पास होना चाहिए। मास्क अगर आप लगाए हैं तभी आप बच सकते हैं, क्योंकि कोरोना की जो लगातार एक बार बढ़ रही है मामले, जो लगातार एक बार कोरोना के फिर से मामले बढ़े हैं, तो ये चिंता का विषय है। लोग डरे सहमे हुए हैं।